हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था 99 पोर्टल, तो आज है 99 पोर्टल 9th सेप्टेम्बर, तो 99 की एनर्जी है। सो 9 सेप्टेम्बर को हम 99 पोर्टल एक्टिवेशंस के लिए रीडिंग कर रहे हैं। इस पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट होगा आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, एनर्जीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। साथ ही साथ ये जो पोर्टल है, हमेशा मैंने अपने व्यूवर्स को बताया है कि 9-9 जो एनर्जी होती है ये कम्प्लीशन के जस्ट पहले की एनर्जी होती है। मतलब कुछ चीज़ कम्प्लीट होने के पहले जो एक फाइनल टचअप होता है वो ये एनर्जी होती है। तो चाहे कर्मा रिलीज़ का कम्प्लीशन हो, चाहे न्यू बिगनिंग का कम्प्लीशन हो, बट ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। साथ ही साथ इस रीडिंग में हम 9-9 पोर्टल के अलावा फुल मून की भी एनर्जी चेक करेंगे, प्लस कल जो मॉर्निंग में रीडिंग आएगी वो भी फुल मून की होगी, क्योंकि इस बार जो फुल मून है वो 9th को भी है और 10th को भी इफ़ेक्ट रहेगा फुल मून का, 9 और 10 दोनों दिन। तो कल मॉर्निंग में मैं फुल मून की रीडिंग डालूंगी और आज मैं इफ़ेक्ट चेक करूंगी इस पोर्टल की एनर्जी में। ठीक है, ये जो फुल मून है ये मीन राशि में है, पाइसिस। पाइसिस जो साइन है ये एक वाटर साइन है, तो यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई होंगे, आपको इमोशनल ट्रिगर बहुत हाईली मिल सकता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, किसी तरह की हेल्थ इश्यूज से आपको गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आएंगी उसके लिए हमने दो डेक्स रखे हैं। पहला डेक है मेजर अरकाना, मेजर अरकाना से हम देखेंगे कलेक्टिवली क्या एनर्जीज चल रही हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर अरकाना हमें क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 9-9 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या इफ़ेक्ट डाल रही हैं मेरे व्यूवर्स पर और उनके पर्सन पर, कलेक्टिवली दोनों एनर्जीज़ पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सो इस डेक को मैं करूँगी हमेशा की तरह, दोनों तरफ कार्ड्स लेंगे हम, इस तरफ रहेगी आपकी एनर्जी और इस तरफ रहेगी आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के ऊपर और उनके पार्टनर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा इस 9-9 पोर्टल की एनर्जी का। मून, फुल मून का इफ़ेक्ट है यहाँ पर आपकी तरफ एंड आपके पर्सन की तरफ है। द स्टार, देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब लवर्स आते हैं तो डेविल आते हैं, कल मैंने मिस भी किया था और जैसे ही मैंने मिस किया वो आ भी गए, तो यहाँ से लवर और यहाँ से डेविल की एनर्जी आई है। ओके, सो क्या इफ़ेक्ट रहेगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा इस 9-9 पोर्टल का। 9-9 पोर्टल की एनर्जी में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कम्प्लीशन होगा, कम्प्लीशन के पहले की जो एनर्जी होती है आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट रिसीव होगा, मैसेजेस रिसीव होंगे, एक मिसिंग एनर्जी, एक अधूरी सी एनर्जी जो होती है ना इनकम्प्लीट वाली फीलिंग, वो आपकी कम्प्लीशन की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे इस पोर्टल की एनर्जी के दौरान, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आप अकेले में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करेंगे। कई लोग बहुत पॉजिटिव इमेजिनेशन करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा डे ड्रीमिंग करेंगे या नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इमेजिन करके सोएंगे और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, दिन भर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहना, क्या होगा, थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है, थर्ड पार्टी ये, थर्ड पार्टी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आपको नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। शक्ति की एनर्जी आई है आपकी तरफ, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपके लाइफ से जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे इस 9-9 पोर्टल की एनर्जी में। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग रहेगी और आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो 9 नंबर है माँ शक्ति का नंबर है, माँ शक्ति के 9 दुर्गा रूप भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नवरात्रि के करीब पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति की एनर्जी में आ रहे हैं बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे व्यूवर्स की जो अंदर की शक्ति है, इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन एनर्जी है वो डेवलप होगी। आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहेंगे इस 9-9 पोर्टल की एनर्जी में। माँ काली, माँ शक्ति, माँ तारा की एनर्जी है, देखिए आपकी तरफ ये भी एक मिरर है, बहुत बड़ा मिरर है। यहाँ पर माँ शक्ति डेविल का खात्मा कर रही हैं,
और आपके पर्सन की तरफ माँ तारा डेविल का खात्मा करेंगी। तो यहाँ पर माँ शक्ति और माँ तारा की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है गाइज। साथ ही साथ देखिए आपकी तरफ आया है द लवर्स और आपके पर्सन की तरफ आया है द चैरियट। जब ये आएंगे ही नहीं तो रीयूनियन कैसे होगा, तो ये आएंगे और आपके साथ रीयूनाइट होंगे। सो ये एक परफेक्ट मिररिंग का एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि एंजल्स ने आपको किस तरीके के कार्ड्स दिए हैं। साथ ही साथ देखिए उसके बाद अगर हम इन दोनों को मिरर करें तो ये जिस सिचुएशन में अटके हैं या आप जिस सिचुएशन में अटके हैं वो अटकी हुई सिचुएशन समाप्त होने वाली है। ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये ख़त्म होने वाली हैं। किसी तरह का जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर है तारा माँ और यहाँ पर है द मून की एनर्जी। तो चंद्र जो है वो भी, उनको भी एक एनर्जी, फीमेल एनर्जी में माना जाता है वाटर साइन को। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इमोशंस, ज़्यादातर फीमेल्स में इमोशंस बहुत हाई होते हैं, जल्दी रोना, जल्दी अपने इमोशंस को जाहिर कर देना। उसी कंपैरिजन में मेल्स की जो एनर्जी होती है वो इमोशनल बहुत होते हैं, इवन फीमेल से भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। द स्टार की एनर्जी है, आप अपने इमोशंस में बह के जो सोच रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और यहाँ से आपके पर्सन के लाइफ में जो वो सोच रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। साथ ही 99 पोर्टल के बाद देखिए यहाँ पर है कम्प्लीशन, द वर्ल्ड की एनर्जी, और उसके बाद है एक नई शुरुआत। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगी 10-10 पोर्टल तक। तो ये कलेक्टिव इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी तरफ, आपके पर्सन आएंगे, माँ शक्ति और माँ तारा मिलकर आपके जिस लाइफ में जो भी कर्मा साइकिल्स हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, उनको एंड करेंगे। तो ये एनर्जीज़ मैंने क्लैरिफाई कर दी हैं आप सभी के लिए। थैंक यू राधे कृष्ण। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं हमें इस पोर्टल की एनर्जी कलेक्टिवली आप दोनों पर क्या पड़ेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स पर इस पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपके पर्सन पर इस पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड है सीकर ऑफ विजन, एट ऑफ चैलेंजेस, एट ऑफ विजन, एस ऑफ बोन्स, द फॉरेस्ट लॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ बोन्स। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, सबसे पहले तो आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ विजन्स आ सकते हैं, या कुछ चीज़ें आपको सामने आपकी आँखों से दिखाई दे सकती हैं। उन चीज़ों में आपको सेजिटेरियस साइन बहुत ज़्यादा दिख सकता है, मतलब धनुष लिया हुआ या तीर, इस तरह की चीज़ें आपके सामने पॉपअप हो सकती हैं। धनुष बाण, धनुष तीर, धनुष या कोई वेपन आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस आपको फील हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ़िश नज़र आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को कोई वाइल्ड एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, कुछ लोगों को फ्रॉग नज़र आएगा या किसी तरह का क्रिस्टल या रिंग नज़र आएगी। यहाँ पर कुछ लोग इस एनर्जी में बहुत डिप्रेशन में जाएंगे, अकेला फील करेंगे, अलोन फील करेंगे, बिकॉज हर्मिट का नंबर भी 9 है और स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग का नंबर भी 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपकी अवेकनिंग लगती है, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हो और आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हो, आपको धरती की चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती, फिर आपको यूनिवर्स और डिवाइन पर बहुत ज़्यादा होप रहती है, बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगी ऐसी सिचुएशन में। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं अपनी लाइफ से, तो आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाने का काम डिवाइन करेगी, आपका हाथ पकड़कर आपको गाइड करेगी इस एनर्जी में। साथ ही साथ ये जो पोर्टल गेटवे ओपन होता है तो आपके लाइफ में स्पेशली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके आप जिस भी घर से बिलोंग करते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, अगर आप उनका पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसकी ब्लेसिंग्स बहुत पॉजिटिवली मिलेंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आप इनकी ब्लेसिंग्स को ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस पोर्टल की एनर्जी के बाद आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंट होंगे, खुद का कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, या कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, या फाइनेंशियल जो कंडीशन थी आपकी अगर बुरी थी तो वो अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। ये चीज़ें भी यहाँ से नज़र आ रही हैं, तो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं।
जो भी है बहुत पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रहना है तो आपके लाइफ में भी पॉजिटिव टी को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है वीवर ऑफ स्पेल्स, देन वी हैव स्टार लाइट। इनकी तरफ देखिए एनर्जी में भी स्टार का कार्ड आया था और यहाँ से भी आया है। टेन ऑफ चैलेंजेस, वीवर ऑफ विजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ बोन्स। वी हैव द वर्ल्ड यहाँ से। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखिए, यहाँ भी साइकिल से रिलेटेड है। स्टार के बाद द वर्ल्ड का कार्ड आपके मेजर अरकाना में भी आया था आपके पर्सन की तरफ, और यहाँ पर भी आया है स्टार के बाद द वर्ल्ड की एनर्जी थी, इसीलिए मैंने चेक किया क्योंकि मुझे एक अंदर से आ रहा था कि चेक करो कि इसके नीचे क्या है। सो द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को बताता है, तो आपकी जो पर्सन है उनकी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पे अब चल रही है। जो भी आपके पर्सन डिसीजन लेंगे वो करेक्ट डायरेक्शन में लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, टेन ऑफ चैलेंजेस, इस वक्त 9-9 पोर्टल की एनर्जी में ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करेंगे। हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। कलेक्टिवली एनर्जी है ये, बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या तो उनकी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली में कोई ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, सर पकड़ के बैठे हैं, इस तरह की एनर्जी है। मतलब ये जो पोर्टल है, अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं या आप डिवाइन की जो मर्ज़ी है उसके अगेंस्ट जाकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, 3D की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आप जिस रेल्म से आए हैं उस रेल्म की चीज़ों को छोड़कर, उस रेल्म के पार्टनर को छोड़कर, जो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं उन चीज़ों के अगेंस्ट जाकर आप डिवाइन की एनर्जी से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे और फेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब उन चैलेंजेस को फेस कर करके आप हारेंगे, और हारने के बाद आपको डिवाइन की शरण में जाना ही पड़ेगा कि हे प्रभु अब वही करो जो आपकी मर्ज़ी है, और फिर प्रभु की मर्ज़ी से होगा जो भी होगा। फिर यहाँ वीवर ऑफ विजन्स एंड वीवर ऑफ स्पेल्स की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन के विजन्स बहुत क्लियर हैं, ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये अपने विजन्स में भी आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं आपको अपने ड्रीम्स में देखकर या अपने करीब पाकर या आपकी बातों को याद करके। होपफुल भी हैं कि आप इनको मिलोगे, आप इधर मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उधर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे होता है टूटता तारा देख लिया तो इच्छा पूरी हो जाएगी, या चंद्रमा से बातें करना, या आकाश में देखते रहना, स्टार्स को अपने विशेस बताना कि मुझे ये चाहिए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कुछ सिचुएशंस को लेकर। एंड फाइव ऑफ बोन्स की एनर्जी है, ये जो 9-9 पोर्टल है इनको फाइनेंशियली तोड़ सकता है, कलेक्टिवली फाइनेंशियल लॉस इनको हो सकते हैं, या हेल्थ इशूज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि इनकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, बट अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कर्मा जो है वो क्लियर हो चुका है ज़्यादातर लोगों के पर्सन का, जो बचा है वो भी अब क्लिंजिंग होगा। ये जो फुल मून है प्लस पोर्टल है, इन दोनों की एनर्जी मिलकर पूरा क्लियर करेगी सिचुएशंस को। तो ये इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर दिख रहा है इस 9-9 पोर्टल की एनर्जी में। देखते हैं क्या इस 9-9 पोर्टल का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स के ऊपर पॉजिटिव वे में पड़ेगा, और आपके पार्टनर्स के ऊपर किस एनर्जी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड्स और उनके पार्टनर्स के लिए 3 कार्ड्स। आफ्टर 3 शफल विल पिक द कार्ड्स। बार बार कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं जो कि मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। चलिए एंजल्स यही चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड्स। चलिए तो आपके लिए आ गया 5 एंड हारमोनी। मैंने कहा एंजल्स यही चाहते हैं, तो मैं एंजल्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करती हूँ, और एंजल्स खुद देना चाह रहे थे तो मैंने कहा ठीक है जो आप देना चाहते हैं वो आप दे दो। और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए 3 कार्ड्स एंजल्स। फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड थर्ड कार्ड। ओके
आपके पर्सन के ऊपर इस एनर्जी का इफेक्ट, फुल मून एंड 9-9 पोर्टल का इफेक्ट बहुत सॉलिड पड़ने वाला है। ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में घूम सकते हैं कि मतलब मैं क्या करूँ, कैसे मैं सही डायरेक्शन को चूज़ करूँ। कुछ लोगों के पार्टनर, ये देखिए आपको फिनिक्स दिख रहा है, फिनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो मर कर जिंदा होता है, मतलब उसको मरने के बराबर का कष्ट उनको फेस करना पड़ता है और उसके बाद वो वापस उस राग से जीवित होता है। तो यहाँ पर आपको फिनिक्स का कपल नज़र आ रहा है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर कंफ्यूज हो गए, 50 लोगों में क्या है, धरती में घूम गए, इनका करियर, इनके फैमिली, इनके लाइफ में और भी लोग, लेकिन इन्होंने अपनी जो काउंटर पार्ट है उसको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर इनको कीमत बताई जाएगी कि आप इस लाइफ में क्या करने आए हो, किसके साथ करने आए हो, आपके लाइफ में इस जन्म को लेने का मकसद क्या है। दुनिया से डिस्कनेक्ट कर इनको ये चीज़ें डिवाइन खुद गाइड करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पर्सन होपफुल भी रहेंगे, अगेन यहाँ पर आया है होप की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन होपफुल भी रहेंगे कि ये सिचुएशन ठीक होगी, ये सिचुएशन जो है वो बहुत जल्द पॉजिटिव वे में जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो मून क्या है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, और आपके तरफ देखिए वाटर साइन आया आपके पर्सन की तरफ, दोनों वाटर की एनर्जी है, इमोशनल बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं, लेकिन ये जो 9-9 के पोर्टल है ये इनको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। और सही डायरेक्शन क्या है, आप ऑलरेडी विजडम में हैं, 5-5 की एनर्जी है, आपके लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है इस 9-9 पोर्टल की एनर्जी के बाद, मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आएगा फाइनेंशियली और आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। हारमोनी की एनर्जी नज़र आ रही है, बैलेंस की एनर्जी है, 6 नंबर बैलेंस का है, शुक्र का है, लग्जरी का है, रीयूनियन का है, लव लाइफ का है, और यहाँ पर लव लाइफ हो, लग्जरी हो, हर सिचुएशन में बैलेंस आपको इस पोर्टल की एनर्जी के बाद दिखने लगेगा। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग 9-9 पोर्टल की एनर्जी पे, इसके इफ़ेक्ट के बारे में और इसका आने वाले समय में क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर से लाइक किया कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।